ask everybody to join early. Motsim, ask you in your group to join early. Good afternoon, sir. Good afternoon. Ask everyone to join early so I can start. कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? Blood vessels. उसका वीडियो देख लिया आपने? Yes, sir. समझ में आ गया पूरा? पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन समझ में आ गया? सो टुडे आई विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक. आस्क एवरीवन सो आई कैन स्टार्ट इट. पहले टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर 5 मिनट के ब्रेक के बाद आप उसका रिवीजन कर लेंगे. तो मोस्टली हम क्वेश्चंस पूछेंगे नेक्स्ट आवर में. ओके? ओके सर. हाँ, तो इसलिए ये नहीं केवल आपने पिक लेके लग दिया, आप साथ साथ पिक लेने के साथ साथ नोट भी करते चलिए जिससे आपका रिवीजन हो पाए. सो in the first hour I teach you and in the another hour I'll ask you the questions. After 1-2 minutes, I am starting. Just ask everyone to join early. Topic शुरू कर देते हैं तो फिर बीच में नहीं हम allow कर पाते हैं. योगा से कितने लोग हैं इसमें? 6 में. आवाज आ रही है मेरी? सर 2 लोग हैं, अंशिका और हम. अच्छा, और बाकी अच्छे के हैं? यस सर. अपने ग्रुप में आपने डाल दिया ज्वाइन करने के लिए? गर्ग जी कहाँ है? सर गर्ग जी मीटिंग में होंगे. कौन सी मीटिंग? ये पता है, मालूम नहीं है सर, बट बताया था ऑफिस में बैठे होंगे अपने.
यस नाउ आई एम स्टार्टिंग नाम स्टार्टिंग विद विच टॉपिक, ये कौन सा टॉपिक हो सकता है? ब्लड ब्लड ओके ये क्या दिख रहा है आपको? सब ब्लड आरबीसीज। आरबीसीज क्या खासियत दिख रही है? क्यों आपको क्या खासियत दिख रही है इसमें? सर ये बीच में जो होती है वो नकली होती है सर। क्या होती है बीच में? बीच में ये हालो, ये जैसे हैट कितने का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना? यस सर वही है, बीच में हालो है, यानी हालो, हालो का मतलब कॉनकेव। सर कान होती है हैं? कान, कान क्या बोला? पूरा शब्द बोलिए क्या है ये सर? कॉनकेव क्या होता है? कॉनकेव सर अंदर से बीच से खाली होते सर, किनारे उनके जो होते हैं वो सर किनारे क्या होते हैं? उभरे हुए होते हैं। यस सर बीच में खाली होते। किसने पूछा अभी कॉनकेव क्या होता है? इसकी आवाज आई थी अभी, लोकेंद्र सर। हाँ लोकेंद्र, हाँ कॉनकेव क्या होता है? आपने साइंस पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? साइंस पढ़ी है इसके पहले? यस सर। उसमें आपने फिजिक्स में कॉनकेव और कॉनवेक्स पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? या पढ़ा था, या उसमें पास, उसमें पास हो गए जिसमें एग्जामिनेशन के बिना पास हुए, ऐसा भी हुआ है? नहीं सर। हाँ एग्जाम के बिना भी पास हुए ना कुछ बैच ऐसे? नहीं सर बट हम नहीं हुए। अच्छा तो कॉनकेव क्या होता है बताओ सर? याद नहीं आ रहा अभी, अभी याद नहीं आ रहा है, जब याद आ जाए तो बता देना। ये सामने सर। सामने क्या दिख रहा है सर? सेल है, सेल है। ये सेल कैसे स्ट्रक्चर है इनका? ये सारे उभरे हुए हैं। उभरे हुए हैं, केवल उभरे हुए हैं? नहीं सर बीच में खाली है। तो क्या हुआ? उभरे और खाली हैं? आप उभरे और खाली हैं सर। आप चंद्रमा का स्ट्रक्चर, जब पूरे चंद्रमा का नहीं हाफ चंद्रमा का स्ट्रक्चर कैसा बनाते हैं सर? एक तरीके मतलब एक उभरा हुआ होता है, एक खाली। खाली तो बीच में जो खालो होता है वो कॉनकेव है ना? यस सर। ऐसा ये जैसे इधर से दिख रहा है ऐसा उस तरफ से भी होता है आपको? यस सर। जब हैट दिखता है तो ऐसे ही दिखता है ना? यस सर। मगर हैट दूसरी तरफ से खाली नहीं दिखता, और ये सेल अगर उलट दी जाए तो उस तरफ से भी ऐसी दिखेगी, यानी एक कॉनकेविटी जो है इसकी दोनों तरफ है, कि ये खालीपन दोनों तरफ है। ऐसा खालीपन क्यों बनाया गया? रेड ब्लड सेल में ये खालीपन क्यों बनाया गया मालूम है किसी को भी? मालूम है एनीबॉडी? क्योंकि हम तो ये रिवीजन कर रहे हैं, पहले भी पढ़ा चुके हैं ये चैप्टर। ये खालीपन क्यों है? सेल में सेंटर में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हर सेल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, मगर इसमें जो ये आरबीसीज हैं रेड ब्लड सेल, इसमें मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस नहीं होता,
तो ये खाली जगह रखी गई है, खाली जगह में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। खाली जगह में क्या है बोलिए, हीमो हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ये खाली इसलिए है कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिले, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाए, तो ये खाली जगह भर जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा। ये जो बीच में गड्ढा दिख रहा है नहीं दिखेगा, आई बात समझ में? तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अच्छी तरह से ले सकता है, इसलिए बीच में ये कॉनकेव है, और इसीलिए इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। चाहे वो ऑक्सीजन ले, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड ले, दोनों चीजें ये ले सकता है। हीमोग्लोबिन दोनों से ज्वाइन करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है ऑक्सीजन से, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से। बात समझ में आ रही है? इसलिए आरबीसी रेड ब्लड सेल्स बाई कॉनकेव होती हैं, इस तरफ से कॉनकेव है। अगर हम इसको उलट दें, हेड क्या होता है, एक तरफ से कॉनकेव दूसरी तरफ से कॉन्वेक्स, दिखाए हेड, हेड देखा है सब? तो उसमें क्या होता है, एक तरफ से दोनों तरफ से कॉनकेव होता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कभी हैट नहीं देखा? आज जाके बाजार से खरीदिए एक हैट अपने लिए, और दोनों तरफ से कॉनकेव वाला लेके आइएगा, मुझे भी दिखलाइएगा। क्यों नहीं सर, एक तरफ होता है एक तरफ वो नहीं होता सर। हैं कैसा होता है, अब कंसेप्ट क्लियर हुआ? एक तरफ कान के, आपका सर एक तरफ है कि दोनों तरफ है सर? एक तरफ। तो कान कैविटी एक तरफ सर रखने के लिए है, उसके ऊपर की तरफ तो सर है नहीं, तो कान कैविटी क्यों होगी बताइए? हेड कैसा होगा, दोनों तरफ से कान केव होगा? अभी किस, अभी किसने बोला था, अब वो आवाज नहीं सुनाई दे रही है, तौसीफ किसने yes, बोला था? आपने बोला था ना? यस सर, मैंने बोला था, सॉरी सर। हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ, आवाज पहचान गया हूँ, तब भी आप अच्छा नहीं बोल रहे किस? तो आप बताओ, हैट हैट एक तरफ से, आप कंसेप्ट क्लियर करो बेटा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आपका कंसेप्ट अगर दिमाग में नहीं बैठेगा तो गलत बात बैठ जाएगी दिमाग में। बाहर से कॉन्वेक्स हो जाता है क्योंकि आपका सर उसके अंदर जाएगा तो उसको खुला देगा बाहर से, तो बाहर से कॉन्वेक्स होगा, अंदर कॉनकेव है, उसके अंदर सर आ गया आपका। मगर ये सेल दोनों तरफ से कॉनकेव होती है, तो दोनों तरफ से फूलती है ऑक्सीजन लेकर के और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के। चाहे ऑक्सीजन लेगी, जब जब ऑक्सीजनेट कर रही होगी तो ऑक्सीजन लेगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रही होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। बात समझ में आई? तो हम चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं वो ब्लड का शुरू कर रहे हैं, ब्लड। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। इट इज कंसीडर्ड ए कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम क्या, ब्लड को क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये बहुत सी चीजों को कनेक्ट करता है। हार्ट से ब्लड जाता है और टिश्यू से हार्ट कनेक्ट हो जाता है, किस तरह से कि उसको हम ब्लड भेज रहा है, हर चीज कनेक्ट। ये बहुत से टिश्यू को आपस में कनेक्शन कराता है, ऑक्सीजन देता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। इट कंटेन्स, दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस है, लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड प्लाज्मा, और दूसरा है डिजॉल्व प्रोटीन फाइबर्स। डिजॉल्व प्रोटीन फाइबर, dissolved protein fibers. It is 4 times more viscous than water. पानी से ये 4 गुना गाढ़ा होता है, viscous, thicker.
जैसे पानी से शहद गाढ़ा होता है ना, शहद तो बहुत गुना गाढ़ा होता है, पानी तो बह जाएगा कहीं आप डालो, शहद नहीं बहता है, मगर ब्लड जो है उतना गाढ़ा नहीं है, मगर 4 टाइम्स थिकर है। टेम्परेचर ऑफ ब्लड इज अबाउट 1 डिग्री सेंटीग्रेड हायर देन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर से 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ब्लड का ज्यादा होता है। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। याद करते जाइएगा, मैं नेक्स्ट आवर में मैं पूछूंगा हर बात। नोट कर लिया आपने? हैव यू नोटेड? ये आगे ये दिखाया गया है, ये सेंट्रीफ्यूज है। सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज माने इसमें ब्लड को आपने टेस्ट ट्यूब में देखिए रखा, ये टेस्ट ट्यूब इसमें रखने के निशान बने हुए हैं, ये इतने टेस्ट ट्यूब इसमें रखे जा सकते हैं। यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब रखने से जब हम इसको एक रोटेशन देते हैं, तो रोटेशन देने में क्या होगा, जो गाढ़ा ब्लड का पोर्शन होगा वो नीचे बैठ जाएगा, ये देखिए नीचे बैठ गया, और जो हल्का फ्लूड होगा प्लेन वो ऊपर आ जाएगा। तो इसके कंपोनेंट अलग अलग हो जाते हैं, एक कंपोनेंट हल्का लाइट है वो ऊपर आ जाता है, और जो गाढ़ा चीज होता है नीचे बैठ जाता है। जो चीज वेट में ज्यादा होगी हमेशा वो नीचे बैठेगी, और जो हल्की होगी वो ऊपर रहेगी। एयर तो बहुत हल्की होती है, वो सबसे ऊपर रहती है। बात समझ में आ रही है? तो जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज माने जो ये मशीन है, ये मशीन में यहाँ पे देखिए मशीन लगी हुई है, इसको जब हम ऑन कर देते हैं रोटेशन, जैसे वॉशिंग मशीन में हमने ये ऑन किया तो वो रोटेट करने लगता है ना, वैसे ये चीज़ रोटेट करेगी। उसमें वॉशिंग मशीन में रोटेशन से कपड़ा रोटेट करता है अंदर, है ना, यही प्रिंसिपल होता है। तो सेंट्रीफ्यूज है ये, जो सेंटर में आपने ये रखा है तो ये सब सेंटर में इसको घुमाएगा। तो ये घुमाने से क्या होगा, जो सॉलिड मटेरियल है, हैवी मटेरियल है, वो नीचे बैठ जाएगा ट्यूब में, ये देखिए नीचे बैठ गया, और जो लाइट है वो ऊपर रहेगा। तो ये 2 कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट जो लाइट है जिसमें ये सॉलिड मटेरियल मिक्स रहता है, कायदे से अगर ये सेंट्रीफ्यूज ना किया जाता तो ये एक सा रहता, मगर जब इसको सेंट्रीफ्यूज जल्दी जल्दी घुमाया गया तो जो सॉलिड मटेरियल था वो नीचे बैठ गया। सॉलिड मटेरियल में 44% होल ब्लड होता है, 44% यानी ब्लड सेल्स, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स इसी में होती हैं, रेड ब्लड सेल्स इसी में 44% में होती है, और रेस्ट रेस्ट वाला जो है यहाँ पर इसके बाद एक यहाँ बफर कोट होता है 1%, 44 ये हो गया, और 1% यहाँ पे बफर कोट है जिसमें WBC है और प्लेटलेट्स हैं, तीन ही तरह की सेल होती है। RBC ये हो गई 44%, और 1% में WBC और प्लेटलेट्स हो गई। तो सेल्स का पोर्शन कितने में हो गया, 45% में, 44 में एरिथ्रोसाइट अकेले, 1% में ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स, से लिखा हुआ है बफिकोट ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स, और बाकी 55 बचा वो केवल प्लाज्मा है, केवल प्लाज्मा। तो इस तरह से पूरे ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट निकल आए, प्लाज्मा 55%, एरिथ्रोसाइट 44%, और 1% में WBC और प्लेटलेट्स। WBC माने ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स। ये जितनी सेल्स होती हैं, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट और RBC, रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट्स, ये सब सेल्स हैं। ये सेल्स लिविंग में ही बन सकती हैं, ये कंपनी में नहीं बनाई जा सकती। इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन कंपनी, इंडस्ट्री में अभी तक नहीं बनी है,
तो ये केवल लिविंग सेल से ही बनती है, इसलिए इसको कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स केवल लिविंग सेल ही, लिविंग बॉडी ही बना सकती है। बाहर कंपनियों में अभी तक ये कंपोनेंट नहीं बन पाया। और जो ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा ये इसमें ये लिविंग कंपोनेंट नहीं होता, जिसमें मिला रहता है, ये कंपनी में बनाया जा चुका है। तो प्लाज्मा तो मार्केट में मिल जाता है, इंडस्ट्री में बनाया है, हिमैक्सेल के नाम से आता है प्लाज्मा, प्लाज्मा प्रोटीन्स के नाम से आता है। तो ये प्लाज्मा तो मिल जाएगा जो 55%, मगर जो ये लिविंग सेल्स हैं ये केवल लिविंग पर्सन के अंदर ही बन सकती हैं, तो ये कंपनी में नहीं बनती है। और इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन ब्लड कहलाता है। तो 55% प्लाज्मा, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में 44 जो होते हैं एरिथ्रोसाइट और 1% ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। बात क्लियर हुई लोकेंद्र यादव? लोकेंद्र यादव ऑडियो खुल पाया? यस सर। ब्लड ब्लड के दो कंपोनेंट क्या क्या हैं? प्लाज्मा और ब्लड। प्लाज्मा और ब्लड, वेरी गुड। हमने पूछा ब्लड के कंपोनेंट क्या हैं, तो तुमने बता दिया प्लाज्मा और ब्लड। ब्लड के आगे भी कोई चीज है? अरे नहीं, ब्लड सेल्स बोल दिया, ब्लड सेल्स बोल दिया होता। नहीं सर, ब्लड सेल्स कितनी तरह, ब्लड सेल्स कितनी तरह की होती है? आरबीसी और रेड ब्लड। हाँ, आरबीसी और रेड ब्लड सेल है। आरबीसी का मतलब क्या हुआ पूरा? रेड, हाँ रेड ब्लड सेल्स, रेड रेड ब्लड सेल। ये कितना कितना परसेंट होगी? 44%। 44। और 1% में क्या क्या होती हैं? प्लाज्मा और प्लाज्मा होता है। सामने डायग्राम रखा हुआ है, लिखा भी हुआ है, उसको भी देख के आप नहीं बता पा रहे हो। 1% में क्या होता है? बफी कोट, बफी कोट जिसमें WBC वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होती हैं। बोलिए यस सर, नहीं बात बोलिए। WBC और रेड सेल्स। रेड सेल्स, वेरी गुड वेरी गुड। फिर से बोलिए देख के। 44 में भी रेड सेल्स है, इसमें भी रेड सेल्स है, यही लिखा हुआ सामने, पढ़ के बताइए। बफी कोट लिखा है? यस सर। बफी कोट के आगे क्या लिखा है? प्लेटलेट्स और ल्यूको सेल्स लिखा, यही है ल्यूको, पढ़ नहीं पा रहे। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूको माने वाइट, ल्यूको का मतलब होता है वाइट। ल्यूकोप्लास्ट देखा है? ल्यूकोप्लास्ट देखा है? नहीं सर, देखा वो याद नहीं आ रहा। अच्छा, जब पट्टी चिपकाने की बात होती है तो ल्यूकोप्लास्ट। यस सर, यस सर। तो ल्यूकोप्लास्ट कैसे रंग का होता है? वाइट, वाइट। ल्यूको माने वाइट, ल्यूको का मतलब होता है वाइट, ल्यूकोसाइट का मतलब हो गया वाइट ब्लड सेल, WBC। यस सर, WBC। और प्लेटलेट्स का मतलब थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट। हाँ, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट कितने परसेंटेज में है? 1%। 1%। 44% क्या है? आरबीसी,
रेड, वन परसेंट WBC और थ्रोम्बोसाइट्स, और रेस्ट 55% प्लाज्मा। बताइए तीन यस सर। कंपोनेंट क्या, तीन कंपोनेंट क्या है ब्लड में? प्लाज्मा 45% और लेकोसाइट्स एंड देखो ऐसा है, दिमाग खोल के बैठो, क्लास में बैठो कायदे से, अगर नींद आ रही हो तो मुंह धो लो, और सामने फिगर बना हुआ है और उल्टा सीधा बोल रहे हो। प्लाज्मा 45 लिखा हुआ है? वो 55 सर। अच्छा, ये ओ करने से फायदा नहीं है, कायदे से पढ़ो नहीं तो गड़बड़ याद हो जाएगा। प्लाज्मा कितना है ये पढ़िए, 55 55। कितना बचा 100 में? 100 में 45 45 बचा। 1% क्या हो गया बीच में? लेकोसाइट एंड प्लेटलेट्स एक आर परसेंट 1% ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट हो गया। अब कितना परसेंट बचा? पहले 45 बचा था, अब कितना बचा 1% और हटके? 44 सर। 44, 44% इरिथ्रोसाइट या RBC होती है। तो यस सर। अगर अगर एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड निकाल लिया जाए तो उसमें कितना प्लाज्मा होगा, कितना बफी कोट होगा जिसमें ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स हैं, और उसके बाद 45% RBC है, 44% RBC है। आई बात समझ में सबको? यस सर। ओके, तो यही बात लिखी है, होल ब्लड कैन बी सेपरेटेड, पूरे ब्लड को हम सेपरेट कर सकते हैं दो कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट कैसा है? लिक्विड। प्लाज्मा कैसा है? लिक्विड है। लिक्विड और दूसरा कंपोनेंट सेलुलर है। लिक्विड कंपोनेंट कितना परसेंटेज है? 55। सेलुलर कंपोनेंट कितना है? 45। ये बात समझ में आ गई? तब तो 55 और 45 टोटल मिलके कितना होगा? 100 100 100। तो लिक्विड कंपोनेंट 55% है ब्लड में, और 45% सेलुलर कंपोनेंट है। ये बात क्लियर हो गई? अगर हम मशीन को निकाल, मशीन ये क्या कहते हैं, मशीन एक कहलाती है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज समझ गए? जिसमें सेंटर में रोटेशन देने वाली मशीन होती है, सेंटर में। वॉशिंग मशीन में भी सेंटर में रोटेशन देने वाली मशीन लगी है, पानी घूमता है तभी उसमें कपड़े घूमते हैं, मालूम? देखा है? यस सर। ऐसे ही एक जो आगे फिगर में मैंने दिखाया, एक छोटी सी मशीन होती है, उसमें टेस्ट ट्यूब रखने की जगह होती है बनी। उस टेस्ट ट्यूब में जब हमें ब्लड के कंपोनेंट को अलग अलग करना है, कितना सॉलिड है कितना लिक्विड है, तो हम क्या करते हैं, उस मशीन में लगा के मशीन ऑन कर दी, तो वो थोड़ी देर ब्लड जो है घूमेगा उसमें, और उस घूमने से इसके जो पोर्शन है लिक्विड और सॉलिड वो अलग अलग हो जाते हैं। ये बात समझ में आई? यस सर। तो हमने जो ब्लड कलेक्ट किया एक पेशेंट का, इंट्रावेनसली ब्लड निकाल लिया वेन से, और उसको काहे में डाल दिया, एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, और वो टेस्ट ट्यूब किस में लगा दिया? सेंट्रीफ्यूज में। अभी देखा ना आपने कैसे लगाते हैं? यस सर। हाँ, और उसको रोटेशन दे दिया सेंट्रीफ्यूज को। थोड़ी देर में क्या हुआ, 10 मिनट 15 मिनट बाद वो घूमते घूमते जो उसका सॉलिड मटेरियल है नीचे बैठ जाएगा, और जो लिक्विड मटेरियल है ऊपर हो जाएगा। वही डायग्राम अगले उसमें दिखलाया मैंने। तो ब्लड इज विदड्रॉन फ्रॉम द वेन एंड कलेक्टेड इन सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। टेस्ट ट्यूब देखे है ना सबने? यस सर। हाँ, उस टेस्ट ट्यूब में ब्लड रख लिया। अब टेस्ट ट्यूब को हमने कहाँ पे प्लेस किया? सेंट्रीफ्यूज में, और उसको सर्कुलर मोशन दे दिया। सर्कुलर मोशन कैसा होता है?
एक ही जगह खड़े होकर के चारों तरफ घूमना सर्कुलर मोशन कहलाता है। बात क्लियर हुई? रोटेशनल मूवमेंट सेपरेट्स द ब्लड, ये इस तरह से जो रोटेशन कराते हैं ब्लड को वो दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक लिक्विड पार्ट और एक सेलुलर पार्ट। लिक्विड पार्ट कितना है? 55%। वेरी गुड। और सेलुलर पार्ट 45%। अलग अलग। अब जो 45% है उसको अलग अलग करके बताएंगे कि 1% क्या है और 44% क्या है। 1% एक परसेंट निकल गया तब भी 45 रह जाएगा। नो सर, 44। 43 अच्छा 43। नो सर, 45 में 1% काफी गुड। एंड हाँ, करेक्शन कर लिया। तो अगर हम सेंट्रीफ्यूज में ब्लड को सेपरेट करते हैं तो दो कंपोनेंट में बदल जाता है ब्लड। कौन कौन से दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? लिक्विड एंड सेलुलर सर। लिक्विड और सेल वाला। लिक्विड का पोर्शन कितना होता है? 55% और सॉलिड का पोर्शन 45%। लिक्विड पोर्शन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा सर। प्लाज्मा। और सेलुलर पोर्शन को क्या बोलते हैं? 40% में इरिथ्रोसाइट्स। हाँ, 44 में इरिथ्रोसाइट, 1% में बफीकोट, और बफीकोट में ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स। वही लिखा हुआ है, देखिए जो अभी आप बोल रहे हो वही लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए। इरिथ्रोसाइट लोअर पोर्शन है ब्लड का और कितना है? 44%। बफीकोट क्या है? मिडिल लेयर है जिसमें दो तरह के सेल फ्रेगमेंट्स हैं, एक ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स। ये 1% या 1% से लेस ही रहते हैं, ज्यादा नहीं होते। और प्लाज्मा टॉप पर होता है, स्ट्रा कलर। स्ट्रा क्या होती है? व्हाट इज स्ट्रा? स्ट्रा क्या होती है? रेड। अच्छा, स्ट्रॉबेरी आ गई। रेड स्ट्रा। स्ट्रा देखा है क्या होता है? स्ट्रा कलर येलो कलर सर। हाँ, भूसा, भूसे का कलर। भूसा जानते हैं क्या होता है? यस सर। जो एनिमल को देते हैं खाने, जो जो ये आपके ग्रेन्स का जो छिलका निकलता है भूसा, ये स्ट्रा कलर का होता है, हल्का पीला। तो हल्का पीले कलर का ये जो है स्ट्रा कलर। प्लाज्मा कैसा होता है? स्ट्रा कलर। और ये टॉप पर होता है क्योंकि सबसे हल्का यही है। सेल्स जो है हैवी होती है ना, तो नीचे बैठ जाती हैं आरबीसी वाली। तो स्ट्रा कलर लिक्विड दैट राइजेस टू द टॉप जनरली मेक्स अप 55% ऑफ ब्लड। 55% क्या होती है? क्या होता है? प्लाज्मा। बात क्लियर हो गई? यस सर। नोट कर लिया? अब हर चीज का अलग अलग कंपोनेंट्स बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर स्क्रीन दिख रही है। यस सर। प्लाज्मा में तीन चीजें होती हैं। ये जो प्लाज्मा 55% है इसमें तीन चीजें होती हैं, वाटर, प्रोटीन्स
एंड अदर सल्यूट्स। सल्यूट्स क्या होते हैं? जैसे शुगर का सल्यूशन है, शुगर के सल्यूशन को क्या बोलते हैं? शुगर का सल्यूशन को क्या बोलते हैं? क्यों? शुगर का सल्यूशन कभी यूज किया है आपने? अरे आवाज नहीं आ रही है, आप लोग क्लास में हो कि नहीं? शुगर का सल्यूशन कभी यूज किया है? यस सर। कब यूज किया? शरबत बनाने में। यस, शरबत। शरबत शुगर का सल्यूशन को क्या बोलते हैं? शरबत। उसमें आपको शुगर दिखाई देती है शरबत में? नहीं सर, शुगर नहीं दिखाई देती है। क्यों? उसमें मिल जाती है। यस सर। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? सल्यूशन। सल्यूशन में दोनों चीजें, दो चीजें, एक एक तो पानी था और एक शुगर थी, दो चीजें क्या क्या थी उसको क्या बोलते हैं? पानी को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। और शुगर को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। सल्यूट। सल्यूशन तो मिला करके हुआ। सल्यूट। तो अदर सल्यूट, प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं? वाटर, प्रोटीन्स एंड अदर अदर सल्यूट, यानी प्रोटीन के अलावा भी कुछ और चीजें होती हैं, वो आपको मिलती हैं। तो प्लाज्मा में तीन कंपोनेंट कैसे हो गए? पहला वाटर, आ रही बात समझे? यस सर। यस सर। और वाटर जो है उसमें 92% बाई वेट होता है। अगर केवल प्लाज्मा ले लें तो खुद तो 55 है, उसको अब आपने ब्लड के अदर कंपोनेंट को हटा दिया, केवल प्लाज्मा ले लिया। प्लाज्मा की हम स्टडी कर रहे हैं, काय की स्टडी कर रहे हैं? केवल प्लाज्मा की। प्लाज्मा में कितने कंपोनेंट हैं? तीन, वाटर, प्रोटीन्स एंड अदर सॉल्युबल्स, अदर सॉल्युबल्स यानी और चीजें जो घुली हैं। 92% इसमें वाटर है। 92, 90% इज वाटर। बात समझ में आ रही है? यस सर। और प्रोटीन कितनी है? 7% और अदर सॉल्युट्स 1%। तब टोटल आप देखिए 100 हो गया कि नहीं? 92% वाटर, 7% प्रोटीन एंड 1% सॉल्यूट्स, अदर सॉल्यूट्स। अदर माने जो छोटी कम मात्रा में और चीजें चाहिए, जैसे आपको पता है सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, ये सब चीजें भी होती हैं ब्लड में। तो अदर सॉल्यूट्स क्या हो गए? सॉल्यूट्स माने जो घोलने के लिए डाला जाए पदार्थ, उसको सॉल्यूट कहते हैं। तो अदर सॉल्यूट्स बाय वेट 1% है। भाई बात समझे? प्लाज्मा का कंपोनेंट, प्लाज्मा में क्या क्या तीन चीजें हैं? वाटर, प्रोटीन एंड अदर सॉल्यूट। हाँ, प्रोटीन, पूरी बात बोलिए, आधी बात बोल के छोड़ देते हो। वाटर कितना परसेंटेज है बाय वेट? 92%। हाँ, पूरी बात फिर नहीं बोली। 92% बाय वेट। आरी पास हो जाए? प्लाज्मा 7% बाय वेट और अदर सॉल्यूट्स 1% बाय वेट। ओके, तो प्लाज्मा 7% बाय वेट में चार चीजें होती हैं। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं 7%, उसमें चार चीजें होती हैं। आई बात समझ में कि नहीं? प्लाज्मा चार चीजों से मिलके बना है। ये प्रोटीन्स, प्रोटीन्स कौन कौन सी है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन,
हाँ फिब्रिनोजन एंड फिब्रिनोजन, रेगुलेटरी रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन, हाँ चार तरह की प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन 56% 58%, ग्लोबुलिन 37%, फिब्रिन फिब्रिनोजन 4%, 4%, और रेगुलेटरी अफेयर्स रेगुलेटरी प्रोटीन्स नॉट अफेयर रेगुलेटरी 1%। प्रोटीन्स 1%। अभी बेटा क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करेंगे। अच्छा प्रोटीन 7% है, उसमें एल्ब्यूमिन 58%, ग्लोबुलिन 37%, फिब्रिनोजन 4%, रेगुलेटरी प्रोटीन्स 1%, अदर सल्यूट्स 1% बाई वेट। और अदर सल्यूट्स में क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम आपको पता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम कैल्शियम। अभी कैल्शियम जैसे हम लोग एकदम से खूब वॉमिटिंग हो जाए, लूज मोशंस हो जाए, तो क्या होता है, शरीर का पानी इलेक्ट्रोलाइट के साथ पानी निकल जाता है, यानी सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाती है, हम पोटेशियम मूर्छित होने लगते हैं। तो जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे ड्रिप जो चढ़ती है ग्लूकोज की, उसमें सोडियम पोटेशियम डाला जाता है कि वो जो निकल गया है वो पूरा हो जाए, तभी कॉन्शियसनेस आती है। और रिस्पिरेटरी गैसेस होती हैं और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, तो ये चार कंपोनेंट होते हैं अदर सॉल्यूट्स में। तो प्लाज्मा के कंपोनेंट समझ में आ गए? जो प्लाज्मा 55% है उसके अंदर प्लाज्मा में क्या क्या कंपोनेंट हैं? वाटर, प्रोटीन्स एंड अदर सॉल्यूट्स, तीन चीजें। वाटर 92%, प्रोटीन्स चार तरह की हैं और वो 7% हैं, और अदर सॉल्यूट 1% के हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और वेस्ट प्रोडक्ट है। बात आ गई समझ में? सबने नोट किया ये? एवरीबॉडी हैज नोटेड इट? यस सर, यस चलिए चलिए वीडियो खोल करके दिखलाइए, हमें वीडियो खोल करके दिखलाइए। आप सबने नोट किया ये? ओपन योर वीडियो एंड शो मी द कॉपी। यस लोकेंद्र यादव, लोकेंद्र यादव वीडियो खोल करके कॉपी दिखलाओ, ये चार्ट बनाया है। क्या हुआ, सुनाई दे रहा है लोकेंद्र यादव? यस सर, हाँ तो वीडियो खोलिए उसको, ऑडियो वीडियो खोल करके दिखलाइए कॉपी, कहाँ बनाया? सर लाइट नहीं है तो अंधेरा है। अच्छा बहुत अच्छा बहाना बनाया आपने, जब मैं पूछ रहा था कि सबने बना लिया तब आप चुपचाप बैठे थे। क्लास से आउट कर दें क्या? क्लास अगर अंधेरा है तो आप बाहर उजेले में बैठ जाइए ना, अभी तो रात तो नहीं है, दिन है और 12 बजे का टाइम है। हाँ यस ज्योति दिवाकर, हाँ दिखाइए, हाँ कॉपी दिखाइए, चार्ट कैसे बनाया? सर, ये वाटर 92% हाँ एंड प्रोटीन 7% बाय वेट। ये जो चार्ट जैसे बना था वैसा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उसमें जो 7% प्रोटीन है उसमें भी तो चार तरह की प्रोटीन बताई गई है, वो कहाँ यस सर, लिखेंगे आप? इन सर मैं लिख रही थी, आपने डाल दिया अच्छा अभी एल्बम लिख नहीं पाए थे। ये सर। नफीस कौन है? नफी लायन, आपने बना लिया? अंशिका, अंशिका चौहान, अंशिका चौहान वीडियो खोल करके दिखाइए कॉपी।
शो मी योर कॉपी, आर यू एबल टू हियर? अंशिका चौहान, आप सुनाई दे रहा है आपको? आप बैठे नहीं हो, केवल आपने इसमें प्रेजेंस लगा के आप बैठे नहीं हो। तौसीफ अहमद, यस शो सर। मी योर कॉपी, कॉपी दिखलाइए, तो आपकी नाम आ गया। प्लाज्मा में थ्री कंपोनेंट होते हैं, वाटर होते 92% वेट में, प्रोटीन होते 100% कॉपी में, और दिख अदर सब। कॉप कॉपी तो कॉपी दिखा रहे सर, दिखलाओ। हाँ, कॉपी तो दिखा रहे सर। आप वीडियो खोलोगे तब तो दिखेगा, सर वीडियो खुला हुआ वीडियो सर। तो खोल। हाँ, ये अब दिखा। तो आपने कंपोनेंट वैसे ही बनाए, वाटर, यस वाटर कहाँ लिखा? तो यहाँ पे प्रोटीन। हाँ, वाटर 92% यस प्रोटीन। सर 7%, हाँ अदर हाँ सॉल्यूट्स 1%। हाँ तो प्रोटीन के चारों पार्ट लिखे, यस सर ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन सब लिखा, कहाँ ग्लोबुलिन लिखा? सर यहाँ पे। ओके, सो आई एम अगेन शोइंग द, दिखा आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, जैसे स्क्रीन में बना है वैसे ही प्लाज्मा के कंपोनेंट बनाइए। प्लाज्मा में वाटर 92%, 7% बाई वेट प्रोटीन, अदर सॉल्यूट्स 1% बाई वेट, क्योंकि ये 55% जो प्लाज्मा है उसमें उसमें ये है 92% वेट वाटर। ओके, वाटर 92%, प्रोटीन 7% और अदर सॉल्यूट्स 1% बाई वेट। प्रोटीन्स कितनी है? चार तरह की प्रोटीन्स हैं, यस सर। जो 7% बाई वेट प्रोटीन्स हैं उसमें एल्ब्यूमिन कितना है? 58%, ग्लोबुलिन इज 37%, फाइब्रिनोजन इज 4% और रेगुलेटरी प्रोटीन्स इज ओनली 1%। अदर सॉल्यूट्स में क्या क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज वगैरह होता है वो सब इसी में होते हैं, जहां पर भी ब्लड जाएगा ग्लूकोज लेके जाता है टिश्यू के पास एनर्जी के लिए, तो न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें। इस ऑक्सीस्पिरेटरी गैसेस हैं, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होगा, तो ब्लड में ये गैसेस भी होंगी और वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन ये सब भी होंगे इसमें। इनका वेट टोटल कितना होगा? 1%। तो प्लाज्मा कंपोनेंट याद हो गए सबको? सबने नोट कर लिया? यस यस या सर। याद हो गया, समझ में आ गया? हेलो, समझ में आ गया? यस सर। हाँ। और जो 44% एरिथ्रोसाइट्स थी उनकी काउंटिंग है 4.2 टू 6.2 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर। एक क्यूबिक मिलीमीटर में 4.2 टू 6.2 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। तो ये प्लाज्मा 55 और 44 एरिथ्रोसाइट, यानी 99% का हिसाब तो इधर हो गया, अब बीच का केवल 1% बफी कोट बचा जो इस साइड पे दिखाया गया। बफी कोट में दो चीजें हैं, एक तो प्लेटलेट्स है और दूसरा ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स है। आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ ये दिमाग में? यस सर। यस सर। 1% तो ब्लीड। हाँ, प्लेटलेट्स कितनी हैं? 12 टू 300,000
थाउजेंड पर क्यूबिक मिलीमीटर मीटर है ना। ये आप थाउजेंड में याद करिए या लैक्स में याद कर लीजिए, ज्यादा बेटर कि है। सर बफी कॉर्न प्लेटलेट्स कितना, फिर से बता दीजिए वो है बफी कॉर्न प्लेटलेट्स कितना बता दीजिए। हाँ वही बतला रहे हैं, वही तो बतला रहे हैं। प्लेटलेट्स जो हैं 1.5 to 3 लैक्स पर क्यूबिक मिलीमीटर लिख लीजिए, 1.5 to 3 लैक्स पर क्यूबिक मिली। ये थाउजेंड पर क्यूबिक मिलीमीटर दिखाया गया है, हमने लैक्स में बताया है। ठीक है, 1.5 to 4 लैक्स याद वन कर सकते हैं, ठीक है सर, वन फोर पॉइंट लैक्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। और वाइट ब्लड सेल्स कितनी तरह की होती हैं? पांच तरह की। वाइट ब्लड सेल्स पांच तरह की होती हैं। पहला है न्यूट्रोफिल्स, दूसरी है लिम्फोसाइट्स, तीसरी है मोनोसाइट्स, नोनो चौथी स्नोफिल्स और स्नोफिल्स पांचवी बेसोफिल्स। जैसा और इनका परसेंटेज इनकेटिंग होती है 5 to 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, और न्यूट्रोफिल्स 60 to 70%, लिम्फोसाइट 20 to 25%, मोनोसाइट 3 to 8% और इसनोफिस 2 to 4%। बेसोफिस सर मोनो सर कितना बोले? मोनोसाइट्स 3 to 8% स्क्रीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा पूरा? यस सर दिख। हाँ, और इसनोफिस 2 to 4% और बेसोफिस 0.5 to 1%, 0.5 to 1%। तो फिर से फिगर याद कर लीजिए, बफी कोट में प्लेटलेट्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, दो चीजें। ल्यूकोसाइट्स पांच तरह की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स या इनको पॉलीमार्फ भी कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स या पॉलीमार्फ, PolyMorph, पॉलीमार्फ, न्यूट्रोफिल्स या पॉलीमार्फ। पॉली ओके, न्यूट्रोफिल्स आर पॉलीमार्फ। पॉली मार यस। दूसरी है लिम्फोसाइट्स जो 20 to 25% होती है। तीसरी है मोनोसाइट्स, चौथी है इसनोफिल्स और पांचवी है बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स 60 to 70%, लिम्फोसाइट 20 to 25%, मोनोसाइट 3 to 8%, इसनोफिल्स 2 to 4% और बेसोफिल्स 0.5 to 1%। ओके, बात समझ में आ गई? पूरा ये चार्ट बना लिया सबने? फुल पेज में चार्ट बनाया आपने? हेलो, यस सर बना ली है, लेकिन सर दोबारा बना यस सकते हो? बड़ा कठिन है। आप अभी आप फिर से देख के बनाइए ठीक से, बिल्कुल ये याद हो जाना चाहिए। तो डायग्राम जो दिया है सर वो भी बनाना है, हैं? डायग्राम जो दिया है गोल गोल उसको भी बनाना है। बिना डायग्राम के आप पहचानोगे कैसे? ये जो है रेड ब्लड सेल्स तो रेड होती हैं, और ये बफी कोट में प्लेटलेट्स, देखिए आप प्लेटलेट का स्ट्रक्चर केवल इरेगुलर देखो, शेप है
कोई देखो सेल छोटी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये गोल है, कैसे इनका शेप फिक्स नहीं है, और बड़ा सा अंदर न्यूक्लियस है। ये क्या है? प्लेटलेट्स। ल्यूकोसाइट में सबसे ज्यादा कौन सी है? न्यूट्रोफिल्स, या इनका दूसरा नाम क्या है? पॉलीमॉर्फ। पॉलीमॉर्फ। पॉलीमॉर्फ माने जो जो अपना शेप बार बार बदल लें, पॉलीमॉर्फ मॉर्फोलॉजी बदल लें। आप देखो इसके अंदर न्यूक्लियस जो है कई लोब हैं, 1 2 3 4 लोब हैं, पॉलीमॉर्फ। ये पॉलीमॉर्फ कहलाती है न्यूट्रोफिल्स। लिम्फोसाइट में एक ही न्यूक्लियस है, एक ही न्यूक्लियस है। और फर्क क्या है? इनके साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स हैं, ये ग्रेन्यूल्स डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, और यहां देखो ग्रेन्यूल्स नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। इसमें किसमें नहीं है ग्रेन्यूल्स? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में ग्रेन्यूल्स नहीं दिख रहे हैं, yes, और इन तीनों में दिख रहे हैं, न्यूट्रोफिल, इसनोफिल और बेसोफिल में दिख रहे हैं ना। yes, sir. आई बात समझ में? तो आप देखो न्यूट्रोफिल में ग्रेन्यूल्स हैं खूब सारे, तो ये ग्रेनुलोसाइट भी कहलाती है। ये तीन ग्रेनुलोसाइट है और ये दो नॉन ग्रेनुलोसाइट, इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है, प्लेन है साइटोप्लाज्म, दिख रहा है। और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में, लिम्फोसाइट में बड़ा सा एक न्यूक्लियस है और मोनोसाइट में भी एक दो न्यूक्लियस है। ये सेल बड़ी है, लिम्फोसाइट से ये बड़ी है, साइज में बड़ी होती मोनोसाइट, ठीक है। और इसनोफिल जो है इसमें पिंक कलर, एसिडोफिलिक होती है, पिंक कलर है देखिए ग्रेन्यूल्स में। और बेसोफिल्स में बेसिक कलर है, ब्लू कलर है। इओसिन का मतलब रेड से हो जाता है, ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है। जब स्टेनिंग करी जाती है तो रेड कलर एडाप्ट करती है और ये ब्लू कलर एडाप्ट करती है। तो तीन इसमें ग्रेनुलोसाइट हैं, दो नॉन ग्रेनुलोसाइट हैं। ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन है? न्यूट्रोफिल्स, इसनोफिल्स और बेसोफिल्स। नॉन ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है। ये जो सेल का परसेंटेज दिया हुआ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि इससे हम पता लगाते हैं कि बीमारी कौन सी है, एक्यूट बीमारी है कि क्रॉनिक बीमारी है। तो ये पता लगाने के लिए पैथोलॉजी में आप पढ़ोगे चल के, अगले अगले नेक्स्ट ईयर में हम पैथोलॉजी में पढ़ाएंगे कि इसमें कौन सी एक्यूट बीमारी में बढ़ जाती है सेल और कौन सी क्रॉनिक में बढ़ जाती है। मगर जब ये पहले से याद होंगी कि कितना परसेंटेज है, तभी आपको सेकंड ईयर में समझ में आएगा पैथोलॉजी में। सर, ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग प्लेटलेट्स चढ़ती है बॉडी में? सर, प्लेटलेट का क्या काम होता है? आपने सब जूलॉजी में पढ़ा है, आजकल क्लास सिक्स से 12 तक पढ़ाया जाता है। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? अच्छा, बहुत अच्छी पढ़ाई करी है आपने थ्रू आउट। प्लेटलेट्स जो होती हैं क्लॉटिंग में काम आती हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहलाती हैं, क्लॉट्स बनाती हैं। डिफेंस सेल्स कौन सी होती हैं? ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी सर। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स एक ही बात है। वाइट वाइट का मतलब ल्यूको, ल्यूको मींस वाइट, व्हाइट ब्लड सेल यानी ल्यूकोसाइट्स। और ल्यूकोसाइट्स में ये कलर दिया गया है, इसलिए कलरिंग के कारण ये ऐसी हो रही हैं। इसको स्टेनिंग करके दिखाया गया है डिफरेंस दिखाने के लिए, नहीं सारी ल्यूकोसाइट्स का कलर वाइट ही होता है। ये डिफरेंट कलर दे करके पहचानने के लिए आपको दिखाया गया है। जब हम स्टेनिंग करते हैं, स्टेन डाल करके, पैथोलॉजी में आप पढ़ोगे चल के,
जब स्टेनिंग करते हैं डिफरेंस देखने के लिए कि न्यूट्रोफिल कैसी दिखती है, लिम्फोसाइट कैसी दिखती है, मोनोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल का डिफरेंस क्या है, इसको देखने के लिए हम स्टेनिंग करते हैं। तो स्टेनिंग करके पता लगता है कि किस तरह की सेल्स हैं। ओके, सबने बना लिया? हम 10 5-10 मिनट के गैप पे दोबारा फिर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि 2 पीरियड हैं आज, तो दोबारा ज्वाइन करेंगे। तब तक आप ये रिवाइज कर लीजिए और आपसे ये बराबर पूछेंगे हम। ओके, तो हो ओके सर, सकता है कि हम जो दूसरा कोड देंगे उससे ज्वाइन करना होगा। ओके ओके सर।